क्या बात है भाई, देखो भाई इधर फोटो खेलो साथ में, साथ में पहले पहले यहाँ यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ पे आपके भाई इधर इधर सोलो कर दे फोन भाई, सोलो कर दे आप सोलो सोलो मुझे क्या दिस कैमरा अरे भाई अब घूम दिखेगा नहीं, इधर वहाँ कहाँ दिख रहा है भाई, You watch the video? Yes, yes. बनाने की बातें बताने के लिए कुछ भी बता सकते हैं यार, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अब्दुल, क्या है बेहतर में आए ना मैंने कल आप लोगों को बोला चुना को भी सपोर्ट करूँ खतरों के खिलाड़ी वॉज मोर शेप देन बिग बॉस, ही वॉज डिजाइन फॉर विनिंग खतरों के खिलाड़ी है यार ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं वही होती आ रही हैं अब तक, एंड आई थिंक आई बिलीव इन दैट यू व्हाटएवर कम्स माय वे द बेस्ट वर्क दैट आई कैन डू द बेस्ट इन दैट आल्सो, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।
मैं फोटो कर लेता सर यहां पे पहले फोटो ले दो फोटो हो गया ना भाई नहीं होती किधर हुआ हां ठीक है एक ओके थैंक यू गाइस थैंक यू साजिद सर यहां पे अरे यहां पे लेफ्ट साइड है पीछे जाओ और पीछे जाओ गाइस और 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 हां देखो पहले यहां पे राइट सेंड किया लेफ्ट लेफ्ट इधर यहां पे स्टार्ट अभी नहीं अब यहां पे अब सामने राइट राइट योर राइट 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 ये दिस कैमरा सामने अब तो यार स्वानी के बाद तो अर्पिता हो गई यार नहीं नहीं मुझे स्वानी याद है क्या कहना चाहोगे फमान का सॉन्ग लॉन्च हुआ है कितनी एक्साइटेड आप लोगों ने देखा सॉन्ग कैसा लगा आप लोगों को बहुत अच्छा लगा और एक्साइटेड भी लगा यहाँ आए तो आपको समझ ही आ रहा होने हम तो एक्साइटेड हैं वाले सबसे पहला सॉन्ग जो आया था तब से जब से वो चीज़ें शुरू हुई ना वो तब से हम बहुत एक्साइटेड हैं और आए इंतजार नहीं रहते कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक ऐसे हजारों सॉन्ग मेगा हिट बढ़ता रहता है यस ये ना पहले सुम्बुल के साथ आया था अभी हिबा के साथ आया तो आपको पर्सनली इनकी जोड़ी कैसी लग रही है अच्छी लग रही है हमारे लिए तो चेंज हो गया ना क्योंकि इमली में हमने इमली के साथ इतना देखा था तो हम सोच रहे थे किसी और के साथ भी देखने मिले और नया चेहरा अगली बार नया चेहरा ओके फमान की बॉडी की बात करें तो यू नो काफ़ी उनकी बॉडी की तारीफ की जाती है आप लोगों ने देखा सॉन्ग का आप लोगों को पर्सनली कैसा लगा मैंने उस नज़र से तो नहीं देखा फमान की बॉडी और लड़का हूँ मैं भी नज़र से तो देखूँगा नहीं फमान की बॉडी लेकिन जो भी है ओवरऑल बहुत अच्छा है और लोगों ने तारीफ की आप कही रहे कहना चाहूंगी आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में और इमली शो काफी ज्यादा अच्छा कर रहा है तो क्या कहना चाहूंगे जैसा कि आपको पता ही है कि इमली शो बहुत अच्छा कर रहा है इसी तरह करता रहे फिलहाल मैं तो इमली का पार्ट नहीं हूँ क्योंकि मैंने शो साइन कर दिया है और अभी अभी इमली में नहीं हूँ तो आई होप कि जल्दी आपको अभी इतनी जल्दी जल्दी आज शो में लीव हो रहे हैं ना तो आपको इतनी जल्दी जल्दी लीव होते हैं तो दादा दादी काका काकी पर दादा दादी बहुत जल्द आप लोगों को कुछ नए गीतारों को कर रहे हैं और पैमान को इस गाने के लिए ऑन द मैच और हिबा को भी और आगे भी इसी तरह खूब सारा प्यार लोग भी दें उन्हें और वो इसी तरह अच्छे अच्छे श्याम यहाँ पे देखिए ना बुला इससे बड़ी ब्लेसिंग क्या हो सकती है कि माँ बाप के सामने ड्रीम कम्प्लीट हो ऑलवेज मॉनिटर और आज जब वो हो रहा है तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इसको कैसे ट्राई करूँ आज इतना फेम मिल गया है इतनी माशाल्लाह फैन फॉलोइंग है इतना प्यार मिलता है तो इस
तरह का प्यार देखा आपको कैसा लगता? बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी है, बहुत ज़्यादा खुशी है ये और आगे बढ़े और ऐसे प्यार जो लोगों को भी देता रहे और लोगों से भी देता है। ये डिजास्टर को टुगेदर यू हैव टू गेट एंड गिव। Now you know where you're getting it from. Bandhu Gopi, Bandhu Gopi. You give up, you will get. You will be what? Okay, so Tavi Shri Gana Jayenge, you know, Tavi Gana Piyar Milra is long to kya kena chama. MashaAllah. MashaAllah, yeah. Okay. और अभी तो शुरू हुआ है, अभी जिसमें लोगों तक पहुँचेगा तो और ज़्यादा प्यार मिलेगा। बहुत अप्रिशिएट करते हैं जो हमने मेहनत की थी सारी वीडियो में ऑडियो में सब चीज़ों में, तो बना रहे हैं लोग अच्छा ही लगता है। मैम मैं आपसे जानना चाहूँगा, बेटा कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन माँ के हमेशा छोटा ही रहता है, तो ये बताइए कि ऐसी कौन सी शरारत है जो अभी भी इनके अंदर है? मैं जो कहती है वो करता नहीं है। हाँ, मॉम बचपन में ही था, जिसमें मैं पढ़ लिख के एमबीए बैंक जो ऑफिस जॉब था, तो डॉक्टर बनूँ, तो उसके बाद कई चीज़ें ऐसी होती रही, आज तक भी होती रही, मेरी मम्मी कहते हैं कुछ तकलीफ पैक्स बना देती है वो कभी करते इतने लगा ले, और मुझे पसंद नहीं है तो लगाना, और मुझे लगता है कि मेरे चेहरे पर कोई अजीब सा लगता है। तो आई थिंक शी स्टिल दैट मॉम टू मी, हुज ऑलवेज बीन लाइक दैट फ्रॉम माय चाइल्डहुड टिल नाउ, दैट विल नेवर चेंज। माँ तो ऐसी होती है। लास्ट क्वेश्चन गाइस। हां फोन बोला भाई, लास्ट यही था। अरे थैंक यू, थैंक यू। तो लास्ट क्वेश्चन राइट में करिश्मा जी, हाँ बराबर, राइट में नहीं देखा आपने, एक एक कैमरा देखो। अरे 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 ऊपर तो देखा ही नहीं। करिश्मा राइट में, राइट में, राइट में। अरे सर करिश्मा इतने इतने करिश्मा करिश्मा जी करिश्मा सबसे पहले तो जिसने प्रोड्यूस किया है वो एक 22 ईयर ओल्ड बैठी है, सो बिग कॉन्ग्रेचुलेशन टू हर, वेरी प्राउड मोमेंट फॉर एवरी वन, फॉर ऑल ऑफ अस, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू हिबा कमान, एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट आई मेट बोथ ऑफ देम, वेरी स्वीट, वेरी टैलेंटेड। एंड मुझे पता चला है गाने का जो कॉन्सेप्ट, इतनी अवेयरनेस आ जाएगी इन सब चीज़ों के बारे में कि म्यूजिक वीडियो में भी ये टॉपिक उठाया जाएगा, इट्स अबाउट एंग्जाइटी एंड कमान प्लेइंग द कैरेक्टर, ही ब्रिंग्स इट आउट ऑफ दैट, एंड आई थिंक मेंटल हेल्थ और एंग्जाइटी, सोशल एंग्जाइटी, ये सब बहुत कॉमन है और हमें इस बारे में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कोई दिखावा नहीं है, ये कोई सिम्टम या इसका कोई ट्रिक नहीं होता, ये बहुत कॉमन है स्पेशली विद दिस फास्ट पेस्ड लाइफ। आई थिंक मैं थोड़ा बहुत डिक्लेयर कर ही देती हूँ, आई एम नॉट डॉक्टर पेशेंट और समथिंग, बट देर आर टाइम्स वेन इवन आई फील एंग्जियस, तो ये बात सुन के ये बात पता जब से मुझे चली है, मैं एकदम यू नो टच हो गई हूँ कि इस पर म्यूजिक वीडियो बनाएं, एंड लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव फॉर माय टीम फामा एंड द गुंडा एंड द गर्ल्स। पर फामान की पर्सनैलिटी कैसी है, इस बार की भी पर्सनैलिटी ऐसी, बस एक ही बार मिली उससे बातचीत की गई, फामान की पर्सनैलिटी ऐसी है कि यू नो ही मेक्स इट वेरी गुड।
रिक्शा वगैरह दे देंगे लाइट हो गया यार व्हेन डिड दिस हैपन नीड द छलांग गर्ल बेरादा प्यार की बात करो आज यार क्या तुम लोग बेरादा छलांग मार के आई है आज यार छलांग मार के बेरादा प्यार के Yes, look here, ma'am. Look here, please. Ma'am, let's see this camera. Yes, look here, please. Thank you. चलो बाय बाय मैंने कौन से पहले गाना सुना हुआ था वीडियो भी देखा हुआ था बट आज जो एक्सपीरियंस था बहुत यूनिक था हम लोग घर पर बैठ के टी वी पे देख रहे थे वीडियो एंड एक्चुअली सो माय मॉम इज क्लैपिंग एंड मेरी भाई साफ सफाई कर रही थी वो भी रुक गए वीडियो देखते देखते एंड सो अमेजिंग टू सी द ग्रोथ द जर्नी दैट समवन हैज हैड वीडियो वीडियो देख के ऐसा एक म्यूजिक के साथ प्यारा सा जर्नी लगा इतना स्मूथली बनाया गया इतना क्लासिक है और उसके शूट के पहले दिन हम जो बात कर रहे थे वो उससे मुझे वर्ड टू वर्ड बताया था कि वो सेम एक्टिविटी से शूट करने वाला है गाना प्ले करके एंड आई वॉज शॉक टू सी दैट ही एक्चुअली मैनेज टू एग्जीक्यूट दैट इन रियलिटी जो बहुत रेयरली होता है हम लोग प्लान करते हैं वो एग्जीक्यूट करना मुश्किल होता है सो दैट टेक्स अ लॉट ऑफ क्रिएटिविटी अ लॉट ऑफ विजन एंड अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड देन आई थिंक आवर इज अ कंप्लीट पैकेज ऑफ टैलेंट दैट वी टू आर्टिस्ट एंड आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो प्राउड ऑफ हिम दैट ही इज एक्चुअली पुल्ड थ्रू एंड मेड सच अ ब्यूटीफुल वीडियो एंड ताबिश के बारे में मैं क्या ही बोलूँ कि जितने भी गाने सुने हैं वो हमेशा मेरे प्लेलिस्ट में होते हैं आई थिंक देयर आर सो मेनी टाइम्स दैट आई स्टार्ट माय डे विद दिस म्यूजिक बिकॉज उसकी आवाज़ में कुछ और ही आई हैव नेवर हर्ड अ वॉइस लाइक ताबिश एंड भले ही इतना बातें करके मुझे तभी तभी परेशान करता है लेकिन उसकी आवाज़ उतनी प्यारी है एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर हिम आई थिंक द टैलेंट दैट ही हैज़ आई नो एक बहुत ही पॉपुलर एक बहुत ही नोन आवाज़ बहुत जल्द करता है एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू आई लव इट माई मॉम माई डैड वी ऑल व्हेवर आई वॉच द वीडियो मेरी आई थिंक आर इंस्टेंट रिएक्शन वॉज इन सो क्यूट ऑन स्क्रीन everything about the video was beautiful and yeah the couple looked great actually har ek shot mein wo log bahut pyare lag rahe the and I think that's the sign of good actors which of ki kisi ke bhi sath kaam karte hain unki chemistry bani jati hai so I think the actors like Kamal and Nuha kisi ke bhi sath kaam karenge to unki chemistry badhti jayegi and them being fantastic actors individually I think together they are looking wonderful thank you so much thank you Ma'am, look here. Yes, look here, please. Ma'am, यहाँ पे राइट में मैम यहाँ पे नहीं देखा मैम यहाँ पे देखिए आप मैम राइट साइड यहाँ पे यस लुक हियर प्लीज योर राइट साइड प्लीज
योर राइट साइड प्लीज मैम, लुक हियर प्लीज, लुक हियर प्लीज। थैंक यू। सिमरन जी वेलकम, हमारी प्यारी नमिता आ चुकी है, तो क्या कहना चाहेंगे इस सॉन्ग के बारे में? मैं कहना चाहती हूँ आई हर्ड द सॉन्ग एंड द सॉन्ग इज अमेजिंग, इट्स सच अ स्वीट रोमांटिक नंबर एंड बोथ ऑफ देम आर लुकिंग अमेजिंग, द सॉन्ग इज अमेजिंग, इट आई थिंक टचेस द राइट कॉर्ड्स ऑफ द ऑडियंस, सो एज अ ऑडियंस इट्स वेरी नाइस टू वॉच द सॉन्ग। ऑल्सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हेमान बिकॉज ही इज एक्टेड इन द सॉन्ग, ही इज ऑल्सो डायरेक्टेड इट, सो आई थिंक दीज आर टू वेरी ग्रेट क्वालिटीज फॉर वन पर्सन टू हैव, सो बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेशन। सिमरन जी ने तो थैंक यू दे दिया, लेकिन अगर नोबिता को थैंक यू देना होगा तो कैसे देंगे? नोबिता को देना होगा तो नोबिता स्टाइल में बोलते हैं कि हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नोबिता, नाम तो सुना ही होगा। क्या आप सब लोग मुझे टीवी पे देखते हो? क्या कहा, देखते हो, अच्छा लगता होना। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों मैं ये कहना चाहती हूँ कि ना जो बेरादा सॉन्ग है वो बहुत ही बढ़िया है, आप सब लोग ये सॉन्ग देखें और खूब सारा इसको प्यार दें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बाय। यहाँ पे सामने 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 यहाँ पे राइट में, राइट में, बाय 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 बाय, राइट में यहाँ पे, यहाँ पे दू तो पीछे आ गया क्या बोलो लाइट नहीं मिला, राइट साइड, राइट साइड, राइट साइड, चोपड़ा भाई थोड़ा पीछे जा, चोपड़ा जा पीछे जा, आ जा पीछे, बुक सेंटर। ओके, सो आई थिंक दिस गाने का हिस्सा काफ़ी वक्त से रही इवन बिफोर फर्स्ट ब्रांड के, तो मैंने उसकी ग्रोथ देखी है और मुझे बहुत खुशी लगा था। इन द फर्स्ट गो इन इनफैक्ट मैंने कमाल को बोला था देखना तेरा ये गाना रेज होगा, and I think I was right in saying that because it's fantastic. Yeah, he's directing it also. For your actor, it is a wonderful feeling to direct your own song. Yeah. The pressure is alag hai. So I'm sure he has taken that step, taken that touch. I always say that ladka apna kamaal hai, actor bemisaal hai, aur director bhi dhamaal hai. मुझे ऐसा लगता है कमाल एज एन एक्टर डेली आर फेजिंग में, जैसे मेरा दोस्त है, मेरे वर्किंग टुगेदर, आई जेन्यूनली फील ना कि वो कैसा बन रहा है ना, जिसकी केमिस्ट्री किसी का भी नहीं, बिकॉज ही इज गॉट समथिंग, देयर समथिंग अबाउट हिज आईज, जैसे मैं उनकी जो उनके लिए बोलते हैं, आई फील आई सी दैट इन हिम, ही इज द इंटेंस एक्टर ऑफ आवर कम्युनिटी। जैसे हम बोलते हैं कि हमारे वट एवर वी आर वेयरिंग, कि मुझे स्माइल से नीचे तो नजर जाती नहीं, कमाल की आंखों से नीचे नहीं, आई एम सेइंग दिस इन फ्रंट ऑफ माय हस्बैंड, सो आई जेन्युइनली इट्स अमेजिंग आई थिंक, एंड यू नो आप यू जस्ट बॉर्न विद दैट ब्लेसिंग वाला, कि आप जिस चीज़ पर आप खुद को सुबह हो जाती है, तो आई एम ग्लैड एंड हैप्पी कि आई टेल यू कि हम दिस सक्सेस कर ही गई है। मुझे इस गाने की शुरुआत बहुत पसंद है, इनफैक्ट मैंने ऐसे सोचा था कि मैं इस गाने को रिक्रिएट करूँगी अपने जहाँ मैं अपने बच्चों के लिए गाना गाऊंगी, पहचानी माई किड्स, कि मैं अपनी ज़िंदगी उनके लिए इमेजिन भी कर सकती, तो ये गाने ने मुझे पॉजिटिव फील दी थी, सो आई लाइक दैट। अच्छे अच्छे समय तो ऐसी ऐसी बातें नहीं करते ना जिसमें दिल दुख जाए और टूट के हाथ में आ जाए और आपके टुकड़े टुकड़े भी दिख जाए, सो ये सब वेरी सैड,
बट ये सुन के अच्छा लगा कि बट बेसिकली लाइफ में भी है कि एक चीज बंद होती है तो दूसरी चीज शुरू होती है। बहुत जल्दी बंद होगी ना। अरे भाई क्या चूतिया कर रहे हो उधर फोन में सब, इसीलिए मुझे गुस्सा आ रहा है। क्यों अरे क्या हरकत कर रहे हो यार। अरे